सीतामढ़ी शहर के मेन रोड पर सोमवार की देर शाम प्रसिद्ध रेडीमेड व्यवसायी राजेश सुंदर का उर्फ पप्पू के पुत्र सौरभ कुमार को एक नकाबपोश अपराधी द्वारा गोली मारे जाने से व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। भीड़भाड़ वाले इलाके में पैदल आए अपराधियों द्वारा गोली मारकर आराम से भाग निकलना पुलिस की गश्त को एक चुनौती दे रहा है। घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर नगर थाना है। शाम के समय पुलिस की गश्ती दल एवं पैंथर मोबाइल के जवान गश्त लगाते रहते हैं। बावजूद इसके अपराधियों द्वारा गोली मारकर पैदल निकल जाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को एक खुली चुनौती दे रहा है। आपको मालूम हो कि इससे पहले भी बीते डेढ़ माह पूर्व हॉस्पिटल रोड स्थित गुनगुन मेडिकल एवं नाथ मेडिकल दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसमें गुनगुन मेडिकल के मालिक पुरानी एक्सचेंज रोड निवासी रंजन कुमार बाल बाल बच गए थे। 5 माह पूर्व भी 2 दुकानों पर फायरिंग की गई थी। 5 माह पूर्व भी अपराधियों ने देर शाम को ही शहर के मेन रोड लोहापट्टी में रूप मिलन साड़ी दुकान व अस्पताल रोड स्थित एक दुकान में बाइक सवार अपराधियों ने दुकान पर पहुंचकर रंगदारी की मांग करते हुए फायरिंग की थी, जिसमें साड़ी की दुकान में काम करने वाले एक स्टाफ के पैर में गोली भी लगी थी। जख्मी स्टाफ के बयान पर प्राथमिकता दर्ज कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन गोली चलाने वाला अपराधी आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं SP ने घटनास्थल का जायजा लिया। शहर के मेन रोड सोमवार की देर शाम प्रसिद्ध रेडीमेड व्यवसायी पुत्र को गोली मारने की घटना के तुरंत बाद SP विकास वर्मन घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए हॉस्पिटल में इलाजरत व्यवसायी पुत्र को देखने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों की गिरफ्तार के लिए सघन छापामारी करने के निर्देश भी दिए हैं। रात में 9:45 बजे के आसपास में गोली मारी गई और उनको अस्पताल में अभी हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। एक अपराधी था जो पैदल आया है, गोली मारने के बाद वो भीड़ का फायदा उठाते हुए भागा है। अभी शहर की नाकेबंदी की कर दी गई है, सभी थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है और चेकिंग किया जा रहा है। शीघ्र ही अपराधी की गिरफ्तारी कर सर लगातार हो रही है घटनाएं, व्यवसायियों की गोली चल रही है। चलिए, जो ये घटना हुई है इसका हम शीघ्र उद्भेदन कर लेंगे।